हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी दो तरह से कुटू के आटे के पकोड़े, उबले हुए आलू से और कच्चे आलू से। तो देख लेते हैं कुटू के आटे के पकोड़े बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये मैंने 300 ग्राम कुटू का आटा लिया है, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, इसका यूज़ हम व्रत में ही करते हैं। ये मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है। 2 मैंने कच्चे आलू लिए हैं, इनको छील के मैंने पानी में डाल दिया है, क्योंकि कच्चे आलू अगर छीलने के बाद पानी में नहीं डालेंगे तो ये काला होने लगेगा। थोड़ा सा मैंने हरे धनिया पत्ती ली है, साफ़ धो के बारीक कट कर लिया है। थोड़े से भुने हुए मूंगफली के दाने, 2 हरी मिर्च बारीक कट की हुई, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सेंधा नमक, थोड़ा सा पानी और पकोड़े फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें जो हमने कुटू का आटा लिया है उसको डाल देंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक फाइन बैटर बना के तैयार करते हैं। ये देखिए, हमने अपना बैटर बना के तैयार कर लिया है। इतना बैटर तैयार करने में इसमें हमने 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम बेसन के पकोड़े बनाते हैं उसी तरह से। तो ये हमने अपना बैटर तैयार कर लिया, इसको अब हम एक साइड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम जो हमने ये उबले हुए आलू लिए हैं इनकी हम पिट्ठी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस एक बाउल हम लेंगे, इसमें आलूओं को हम फोड़ लेते हैं। छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब मैंने मूंगफली दानों को भी हल्का सा क्रश कर लिया है, इसको डाल देती हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्च, हरी मिर्च मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने बैटर तैयार किया था उसमें अभी थोड़ी सी मैंने मिर्च का यूज़ किया है। थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने अपनी आलू की पिट्ठी तैयार कर ली है। अब एक हम छोटी प्लेट लेंगे, और आपको जितने बड़े साइज़ की पकौड़ी अच्छी लगती हो उस साइज़ की ऐसे बॉल्स बना के एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम अपनी सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने उबले हुए आलू से अपनी सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं, इसको भी एक साइड कर देते हैं। अब अपने कच्चे आलू भी तैयार कर लेते हैं, इनको मैंने पहले से ही छील लिया है। अब मैं इनको, आप देख सकते हैं, पतले पतले छोटे छोटे पीसीज में, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पतले पतले पीस किए हैं, छोटे छोटे पीसेज में इनको कट कर लेती हूँ। हमने अपने कच्चे आलू भी छोटे छोटे पीसेज में कट करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने सोयाबीन रिफाइंड ऑयल नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल लिया है, क्योंकि सोयाबीन तो व्रत में यूज़ नहीं करते हैं,
सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल लिया है, आप इसकी जगह देसी घी भी यूज कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। पकोड़े बनाने से पहले थोड़ा सा हम बैटर को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब आप देखिए जो हमने ये उबले हुए आलू की ये बॉल्स बना के तैयार की थी, इसको हम बैटर में इस तरह से डिप करेंगे, आप देख सकते हैं। और इनको कढ़ाई में हम छोड़ते जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। एक बार में जितने पकोड़े आ जाते हैं उतनी बॉल्स हम इस बैटर में अच्छे से डिप करके और कढ़ाई में डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए पकोड़े हमारे एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये बिल्कुल सिक के तैयार हो गए हैं। तो एक प्लेट में नैपकिन पेपर लगा के हम इनको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम जो हमने आलू की पिट्ठी जो जितनी बॉल्स बना के तैयार की हैं तो उतने सारे पकोड़े बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने उबले हुए आलू के सारे पकोड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कच्चे आलू से किस तरह से पकोड़े बनाएंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी सेम वैसे ही रखनी है जैसे हमने उबले हुए आलूओं के लिए रखी थी। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पकोड़े जो है एकदम कढ़ाई में से उठेंगे नहीं, उसी में चिपक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और ऐड कर देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, और मैंने ये जो कच्चे आलू लिए हैं इसका पानी निकाल दिया है। इन आलूओं को मैं इसमें डाल देती हूँ, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, अब हम जैसे नॉर्मली पकोड़े बनाते हैं उसी तरह से आप देखिए कढ़ाई में, चाहें तो आप स्पून की हेल्प से भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए पकोड़े का साइज आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। एक बार में जितने पकोड़े आ जाते हैं उतने डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर रखी है। ये देखिए कच्चे आलू के भी पकोड़े हमने एकदम करारे सेक के तैयार कर लिए हैं। तो एक दूसरी प्लेट में नैपकिन पेपर लगा के हम इनको भी निकाल लेते हैं और इसी तरह से अपने सारे पकोड़े बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे दोनों तरह के कुट्टू के आटे के पकोड़े बनके तैयार हो गए। ये उबले हुए आलूओं से बनाए, ये हमने कच्चे आलूओं से बनाए। यहाँ मैंने तीन तरह की चटनी ली है, ये व्रत की ही चटनियाँ हैं, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।